तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। यूएई के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डेप्टी प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए। अभी रिसेंटली यूए की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है। पाकिस्तान के देरीना दुश्मन हमलावर होने में देर नहीं लगाएंगे, क्यों समझ नहीं आ रही इन लोगों को। वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूएई के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डेप्टी प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए, उन्होंने हाल ही में, उनका नाम है सैफ बिन जैद अल नहयान, उन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का मैप शेयर किया तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया के अंदर ये हाईलाइट होना शुरू कर दिया जी कि वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है, और वो डेफिनेटली ये मैप है जो मैं आपके सामने यहाँ तस्वीर में लगा भी दिया है। वैसे सब नॉर्मली यही मैप शेयर किया जाता है जो इंडिया के ने मैप शेयर किया है, जो पाकिस्तान ने मैप बनाया हुआ है जो ये है जिसे मैंने ये अभी शेयर किया है, ऐसा मैप अमूमन नहीं दिखाया जाता। आपने ये एक बड़ी, आपकी मैं आज बुक स्टोर पर गया हुआ था तो आपकी मुझे किताब भी खरीदने का मौका मिला, मसला कश्मीर नाकाम स्वार्थकारी की अनकही दास्तान, ये पड़ी हुई थी वहाँ पे। बिरसब आप क्या देखते हैं कि ये जो मैप शेयर किया गया है डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? थर्ड, क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टोरी दुनिया को? रिसेंटली यूए की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखें, बहुत गलत बात है क्योंकि एक ऐसी स्टेट, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके ऊपर अभी तक जो है अक्वामे मुत्तहिदा की इशिकों के तहत जो है वो फैसला नहीं हो सका कि वो किस कंडीशन में है, क्योंकि एक कश्मीरी जो है वो कुछ ऐसे उसमें लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट हैं, पाकिस्तान में जो कश्मीर है पाकिस्तान उसे अपना हिस्सा कहता है, इंडिया जो है उसे अपना हिस्सा कहता है और पाकिस्तानी कश्मीर को भी अपना ही हिस्सा डिक्लेयर करता है। जो ये काम किया है यूएई ने, ये बहुत अरसे से इंडिया खुद भी कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था इसके हवाले से कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बल्कि जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। या तो रिफरेंडम करवा के उनको आज़ादी दी जाए कि वो जहाँ पर मर्जी जाना चाहें, बेशक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, लेकिन या पाकिस्तान में आए या इंडिया में चले जाएँ, लेकिन रिफरेंडम होना चाहिए। लेकिन जो अब यूएई ने खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में, और जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीर के उनकी आवाज़ इस तरह से नहीं बने कि जिस तरह से बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ इस हवाले से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि हम खुद जो हैं पाकिस्तानी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अपने फ़ैसले हम खुद कर सकें या अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा सकें। इंडिया को एज बिल्कुल है, पूरी दुनिया में इंडिया को एज है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि दुनिया जो इस्लामी ममालिक है उनमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा एज। सर हमने देखा है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 समिट हुआ, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ इंडिया में मौजूद थी सवाए पाकिस्तान। जी नहीं, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे सऊदीया था, यूएई था, क्योंकि G20 में दो मुल्क जो हैं वो G20 का हिस्से हैं, सऊदी अरब और यूएई। और सऊदी अरब जो है वो इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मोतबर मुल्क माना जाता है, लेकिन उनका झुकाव भी वहाँ पे इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो किसी से एड का तकाजा नहीं करता, इंडिया हमेशा इसी पॉलिसी पर जाता है कि बिज़नेस करने की पॉलिसी पर। इंडिया ने जैसे एक अपना जो है वो मौशी हब बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया ख़ुद को, तो कोई भी मुल्क हो मेरे ख्याल से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनको बिजनेस दे, ना कि ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनसे एड लें और जो कि उनसे जो है वो कर्ज मांगे और उनको भी आजमाइश में डालें, क्योंकि काफ़ी अरसा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन हमारे बैंकों में हैं, ज़खायर हैं हमारे, वो भी सऊदी अरब की तरफ से ही उधार जो है हमारे बैंकों में रखा गया था। तो ज़ाहिर तौर पर अगर मैं भी हूँ या आप भी हों तो आपका झुकाव भी उसी मुल्क की तरफ या उसी शख्स की तरफ होगा जो कि आप पे बोझ ना बने बल्कि आपके बोझ को डिवाइड करें। सर अगर यही बात हम कश्मीर के लिए करें तो आप देखें कि इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की है। आप जम्मू कश्मीर देख लें और आप आज़ाद कश्मीर देख लें। आज़ाद कश्मीर के लोग रोटी के लिए, आटे के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बरकस आप देख लें मकबूजा कश्मीर में, देख लें जम्मू कश्मीर में, देख लें तो वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली जब एक स्टेट को आप इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे
तो वो तो इंडिया की साइड फिर लेगा ही ना। आजाद कश्मीर, कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो के पाकिस्तान के अंदर शामिल है इस वक्त। अच्छा। कश्मीर के अलग से वजीर आजम है, कश्मीर के अलग से प्रेसिडेंट है, जो कि वहाँ की बाकायदा जो कि हर वक्त रोते रहते हैं कि हमें हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। और अगर आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया मुसलमानों की अक्सरियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करा, तो सर डेवलपमेंट में क्या होता है? लोगों को रोज़मर्रा के वसाइल जो है वो सस्ते में यसर हों, इंडिया वो वहाँ पर कर रहा है। डेवलपमेंट का मकसद ये होता है कि जहाँ पे आबादी जो के रह रही है ना, उनके लिए उस इलाके को इतना को खुशहाल बना दिया जाए, इतना को खूबसूरत कर दिया जाए कि वहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ पे जो है वो गुजारा करने में फख्र महसूस करें, जो कि इंडिया ने सर हो रहा है। आप देखें कि अमेजोन इंडिया में आ चुका है, मकबूजा कश्मीर में आ चुका है। आप देखें कि मकबूजा कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज़म हुई है, ठीक है। तो आप देखें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ पे कितने जो 5G की सर्विसेज आ चुकी हैं। सर इसके बाद और कौन सी डेवलपमेंट है जो आप लोग चाहते हैं?